हेलो दोस्तों, तो बात करेंगे आज इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो ODI सीरीज़ होने वाली है, दूसरा मैच होने वाला है उसका। तो हम उसी की ड्रीम इलेवन टीम और क्या हो सकती है ड्रीम न्यूज़ तो हम बता करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं जो आपको वीडियो डालने वाला हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए और आप देख के अच्छा पैसा अर्न कर ले। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में जो बेल का आइकॉन है उसे भी दबा दें। तो अभी हम देखेंगे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच जो मैच खेला जाने वाला है उसी की टीम। तो अभी तो बहुत समय बाकी है मैच के लिए, 15 आवर्स बाकी है। तो मैं बता दूं आपको, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके लिए दोनों ही अच्छे ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, जॉस बटलर या MS धोनी। तो आप पर एक किसको लेना है, पर मैं बता दूं आपके लिए जॉस बटलर अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अगर इंडिया का मिडल ओपनिंग जो है वो फ्लॉप होती है तो धोनी भी अच्छा कर सकते हैं। अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो MS धोनी को जरूर ट्राई करें। तो देख लेते हैं बैटिंग सेक्शन में, मैंने जो प्लेयर ले इंडिया के दोनों प्लेयर ले लिए, विराट कोहली और शेखर धवन को ले लिया है मैंने, और फिर जॉनी ब्रेस्टो भी आपको इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे, फिर जो रूट भी आपको इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे। फिर बता दूँ मैं रोहित शर्मा को लिया हूँ, जो पिछले मैच में उन्होंने 100+ स्कोर किया था, तो आप इनको ले सकते हो, बहुत अच्छे फॉर्म में भी है। फिर आपको बता दूँ जोसन राय को ले सकते हो, लोकेश राहुल को ले सकते हो और मोइना मॉर्गन को ले सकते हो जो इंग्लैंड के कैप्टन है। फिर बता दूँ एलेक्स हेल जो है वो इंजरी के कारण जो है इस मैच में खेलते नज़र नहीं आएंगे आपको, तो आप एलेक्स हेल के हेल से दूर रहे, इनको इंजरी है इसीलिए ये इस मैच में आपको खेलते नज़र नहीं आएंगे। और मैं बता दूँ आपको जो नीचे दोनों ऑप्शन है तो इन दोनों रिस्की हो सकते हैं, इसीलिए मैं इनको लिया नहीं हूँ, मेरी टीम से दूर रखा है। तो आप भी अपनी टीम से इन्हें दूरी रखें। फिर आपको खेलते नज़र आ जाएंगे सुरेश रैना, फिर डेविड मलान का और अभी कोई न्यूज़ आया नहीं है, तो आपको इसमें इस अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो तो डेविड मलान से दूरी रहे। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में बता दूँ आपको कि जो तीनों है ये आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। मैं बता दूं बेन स्टोक्स, हार्दिक पांड्या और मोइन अली, ये तीनों आपको इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे और ये तीनों ही आपके लिए बेस्ट प्लेयर साबित हो सकते हैं इस मैच में। तो मैं बता दूं अक्षर पटेल की कोई न्यूज़ नहीं, वो नहीं खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। सैम कुरन भी इस मैच में आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, तो इन दोनों पर चांस नहीं लेना है। तो बॉलिंग सेक्शन में देख लेते हैं, मैंने जो लिए कुलदीप यादव को लिया, जो पिछले मैच में 6 विकेट निकाले थे इन्होंने, इस मैच में भी कुछ अच्छा कर सकते हो है ये, तो इनको हमने लिया है। और फिर राशिद खान को लिया है। फिर बता दो आप युजवेंद्र चहल को ले सकते हो इस मैच में, क्योंकि पिछले मैच में वो चल गए थे कुलदीप यादव, तो इस मैच में युजवेंद्र चहल भी चल सकते हैं। फिर भुवनेश्वर कुमार इस मैच में फिर से आपको बैठे हुए नज़र आ सकते हैं, हालांकि इंडिया के टॉप बॉलरों में से एक है, पर इस मैच में उनको बिठाया जा सकता है। फिर उमेश यादव फिर से आपको इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे। फिर लिम प्लिंकेट भी इस मैच में आपको खेलते नज़र आ जाएंगे। फिर डेविड विली भी आपको इस मैच में खेलते आ जाएंगे, हालांकि पिछले मैच में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं था, पर इस मैच में आपको खेलते नज़र आ जाएंगे। और फिर बता दो सिद्धार्थ कौल और शार्दुल ठाकुर, सिद्धार्थ कौल की जगह पे शार्दुल ठाकुर खेल सकते हैं आज का कल का मैच जो खेला जाने वाला है, तो आप ये पॉसिबल चेंज हो सकता है इंडिया के टीम में। तो बता दो आपको अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ज़रूर सिद्धार्थ कौल की जगह पे शार्दुल ठाकुर को ट्राई करो। तो मैं बता दो आपको कि क्या हो सकती है टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन, तो मैंने रखा है स्मॉल लीग के लिए जॉस बटलर और वाइस कैप्टन रखा है रोहित शर्मा। अगर मैं दिखा देता हूँ आपको प्रयोग, और आपको ग्रैंड लीग में किस किस को कैप्टन रखना है, जो मैंने वाइस कैप्टन रखा है वो इसीलिए रखा है क्योंकि इनका फॉर्म बहुत अच्छा है और इसीलिए मैंने इनको वाइस कैप्टन रख लिया है। फिर मैंने जॉस बटलर को इसलिए कैप्टन रखा है कि बहुत तेज़ी से रन बनाते हैं और इस मैच में भी आपको ये 20-30 रन जरूर बना के देते हैं हर मैच में, इसीलिए मैंने जॉस बटलर को ले रखा है। और विराट कोहली को भी आप कैप्टन कर सकते हो, फिर धवन को भी वाइस कैप्टन कर सकते हो। आपको पता है धवन किस फॉर्म में चलते हैं जब खेलते हैं, तो आप धवन को भी जरूर ट्राई करें वाइस कैप्टन के लिए। फिर बेन स्टोक्स जो है उन्होंने पिछले मैच में 4 ओवर डाली थी, तो ये अभी स्लोली स्लोली अब बॉलिंग करने लग गए। पिछले T20 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, पर इस मैच में वो बॉलिंग भी डाल रहे हैं, तो आप इनको भी ले सकते हो। फिर हार्दिक पांड्या भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग में। फिर कुलदीप यादव भी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फिर बता दो मोइन अली भी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप इन्हीं में से प्लेयर लें और आपके लिए बेस्ट टीम हो सकती है ये ड्रीम इलेवन के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।